प्रदेश में बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुए गेहूं को समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है। सरकार ने प्रदेश के अलग अलग जिले में खराबी का आंकलन करवाकर समर्थन मूल्यों पर खरीद आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें बांसवाड़ा जिले के लिए 10% तक, चित्तौड़गढ़ व राजसमंद जिलों के लिए 50% तक तथा झालावाड़, सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर व उदयपुर जिलों के लिए 70% तक चमकहीन गेहूं की खरीद के लिए अनुमति प्रदान की है। दरअसल सरकार ने यह कदम किसानों की समस्या को देखते हुए फसल के खराबे की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार को भेजी थी। कोटा संभाग में 15 मार्च से और प्रदेश के अन्य संभागों में 1 अप्रैल से किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जा रही है।